और ज्यादातर लोग या तो असफल रहते हैं या फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वो जीवन में सफल हो, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाता। वैसे तो जीवन में असफल होने के कई कारण होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते, वो है गलत लोगों की संगत। गलत लोगों से मेरा मतलब किसी गलत काम से नहीं है, गलत लोगों से मेरा मतलब नेगेटिव या नकारात्मक लोगों से है। जी हाँ, ऐसे लोग जो खुद तो जीवन में कुछ नहीं करते और किसी दूसरे को भी कुछ नहीं करने देते। दोस्तों, आज मैं अपने जीवन में एक सफल इंसान हूं, लेकिन पहले मैं भी एक असफल इंसान था, एक नॉर्मल सा जीवन जीता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती थी। एक दिन मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें चंद लाइनें लिखी थी। जब मैंने उन लाइनों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि आज मैं कुछ ऐसा पढ़ रहा हूं जो मेरे जीवन को बदल देगा। उन लाइनों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं जीवन में एक बहुत बड़ी गलती बार बार करता जा रहा था। उन लाइनों को पढ़ते समय मुझे लग रहा था कि आज से मेरा नया जीवन शुरू होने वाला है, बस जरूरत है इन चंद लाइनों पे भरोसा करके काम करने की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय बाद ही मेरा जीवन बदलने लगा। जिस सफलता के पीछे मैं भागता था, वही सफलता मेरे पीछे आना शुरू हो गई। दोस्तों, उन लाइनों को मैंने आज भी संभाल के रखा है, जिन चंद लाइनों से मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और मैंने बहुत सारे लोगों पर इसे लागू किया। मैंने देखा जो भी इन लाइनों पर विश्वास करके अमल कर रहा है, उन सभी का जीवन बदल रहा है। और आज वही चंद लाइनें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस वजह से कि इनको सुनने के बाद हो सकता है आपका जीवन भी बदलना शुरू हो जाए। दोस्तों, उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि अगर आपको जीवन में सफलता हासिल करनी है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, तो आपको सबसे पहले अपनी संगत को बदलना पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको असफल लोगों का साथ छोड़कर सफल लोगों की संगत में आना पड़ेगा। असफल और नकारात्मक लोग सिर्फ असफलता की बातें करते हैं, दूसरी तरफ सफल लोग हमेशा सफलता और सफलता की बातें करते हैं। उस न्यूज़पेपर में लिखा था, जब एक ओस की बूंद नदी में गिरती है तो वो अपनी पहचान खो देती है। जब वही ओस की बूंद गुलाब के फूल पर गिरती है तो चमकने लगती है, और वही ओस की बूंद जब किसी सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। बूंद एक ही है दोस्तों, लेकिन सिर्फ संगत से रंगत बदल जाती है। और इन तीन लाइनों ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। जो अजय शर्मा चार लोगों में बात करते हुए घबराता था, आज वही अजय शर्मा हजारों लोगों को सेमिनार देता है। जो अजय शर्मा कभी खुद कामयाबी की नहीं सोचता था, आज लोगों को बताता है कि कामयाब कैसे हुआ जाता है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मेरी तरह इस बात पर विश्वास कर आज से, अभी से ऐसे लोगों के संगत में रहना शुरू कर दीजिए जो हमेशा सकारात्मक और सफलता की बात करते हैं। यही सफलता का पहला ठोस कदम है।